पंजाब विधानसभा चोणां दे नतीजिआं विच श्रोमणी अकाली दल नूं मिली करारी हार तो बाद जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह वल्लों दित्ते गए बयान दे खिलाफ अज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे कुछ मैंबरां ने जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं एक मैमोरेंडम सौंपिआ। इस मैमोरेंडम विच उन्हां कहा कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं अकाली दल लीडरशिप दी जी हजूरी करन वाली लीडरशिप नूं कटहरे विच खड़ा करना चाहीदा सी। उन्हां कहा कि जथेदार साहिब नूं चाहीदा सी कि उह सिखां दी नुमाइंदा पंथक जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल दा सियासी पतन करन लई जिम्मेवार सुखबीर सिंह बादल अते प्रकाश सिंह बादल नूं अकाली दल दा खेड़ा छड्डण लई कहिंदे अते प्रकाश सिंह बादल तों फखरे कौम दा खिताब वापस लैंदे। इस तों इलावा बादल परिवार वल्लों डेरा सिरसा मुखी नूं दित्ती मुआफ़ी नूं सही सिद्ध करन लई श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे खाते विचों इश्तिहारां उत्ते 92 लाख तो वधेरे पैसे की दुरवरतों करन लई अकाली दल दी लीडरशिप नूं अकाल तख्त साहिब विखे तलब करन लई वी किया। इस दे नाल ही उन्हां जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं श्रोमणी अकाली दल दा खेड़ा छड अकाली दल दे पतन दे जिम्मेवार कारना अते आगुआं दी निशानदेही करके पंथ दे सामने रखण दी गल वी कही अते उन्हां मंग कीती कि जेकर श्रोमणी अकाली दल नूं सुरजीत करना है तां प्रकाश सिंह बादल तों फखरे कौम वापस लै लैणा चाहीदा है। जेकर उह अजिहा नहीं करदे तां उन्हां नूं सिख पंथ दी सिरमौर पदवी नूं छड देणा चाहीदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 3,000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਸਟਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, NZ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼।